दोस्तों बिहार में टोला सेवक भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे जोर शोर से करवाई जा रही है, और दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोगों को मन में डाउट चल रहा है कि कब से इसका आवेदन लिया जाएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, क्योंकि जब फर्स्ट बार जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसमें 4 सितंबर का लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया था। आज दोस्तों यहाँ पर डेट मैं बता दूँ कि यहाँ पर 7 या 8 सितंबर यहाँ पर लगभग होने जा रहा है। तो आज तक के अपडेट में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि 4 सितंबर तक ही आवेदन लिया जाना था, लेकिन आज 8-9 हो गया, अभी तक कुछ भी इसके अकॉर्डिंग या इस बहाली के अकॉर्डिंग जिला वाइज नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, या जिन जिन लोगों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया उन लोगों का भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि 4 तारीख से पहले अपडेट जारी करना था और 4 तारीख से पहले आवेदन ले लेना था, लेकिन अभी तक दोस्तों कन्फ्यूजन है कि अब तक आवेदन नहीं लिया जा रहा है, और कुछ ज़िले का भी NIC पोर्टल पर नोटिफिकेशन भी नहीं आउट किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा कि अगर जिनके ज़िले पर NIC पोर्टल पर जो नोटिफिकेशन आउट किया गया हो कब तक आवेदन फिल करेंगे, कब तक उनका लास्ट डेट है, क्योंकि इसी को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, और जिन जिन लोगों को NIC पोर्टल पर जिस ज़िले का NIC पोर्टल पर अभी नोटिफिकेशन नहीं अपलोड किया गया है वो किस वजह से आखिर नहीं अपलोड किया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या इसके रिगार्डिंग जो जिला पदाधिकारी है क्या एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या जारी होगा भी या नहीं होगा, जिस जिस ज़िला का नोटिफिकेशन आउट किया गया है उस ज़िले में कब तक आवेदन आप दे सकते हैं, और जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िले का अगर नोटिफिकेशन नहीं आउट किया गया तो क्या वजह है कि नहीं आउट किया जा रहा है, सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा, यहाँ पर सारा NIC जो जिस ज़िला का यहाँ पर दिया जाता है, जिस ज़िले का NIC पोर्टल पर जो नोटिफिकेशन है अपलोड कर दिया गया, सबसे पहले उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। उस ज़िले को मैं यहाँ पर से एक ले लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर समस्तीपुर को यहाँ पर लेता हूँ। समस्तीपुर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, इसको ठीक वहीं पे 3 लाइन पे जाना है, फिर यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन पे जाना है, फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन आता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन यहाँ पे एजुकेशन ऑफिस यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ये रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ शिक्षा सेवक एंड शिक्षा सेवक तालमी मरकज अंडर स्टेट स्कीम महादलित दलित एम मैंडेटरी एक्सट्रेमिनली बैकवर्ड क्लास अक्षरांचल योजना। तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन इस तरीके से आपके NIC पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले डेट क्लिक करना का होगा उसका नोटिफिकेशन, और सबसे पहले उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कराली जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, यानी इसका जो है समस्तीपुर के NIC पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे में डेट को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा था, तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जिस ज़िले का नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा उस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो पूरा पेज है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक अलग यहाँ पर कार्य जो है वर्क कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाएगा इस तरीके से, जो केवल स्पेशल उसी ज़िला का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल समस्तीपुर का, पहले दोस्तों पूरा बिहार का वर्क कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन वर्क कैलेंडर कुछ वजह से रीजन से, मैं रीजन भी बताऊंगा कि इस रीजन से दोस्तों अभी तक जो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो किया गया है, जिस जिले का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, क्या वजह है कि अभी तक NIC पोर्टल पर नहीं अपलोड किया गया। वीडियो में दोस्तों बन रही है सारा डिटेल बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं बताता हूं समस्तीपुर ज़िले के बारे में कि समस्तीपुर में कब से आवेदन यहां पर लिया जाएगा, कब तक इसका लास्ट डेट यहां पर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों जो ज़िला है वो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर ले रहा है, इसका भी एक वर्क कैलेंडर जारी किया गया है। अगर आपके भी ज़िले के NIC पोर्टल पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपके ज़िला अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आवेदन यहाँ पर लिया जाएगा। जो 4 सितंबर का डेट रखा गया है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे ज़िला एक साथ आवेदन नहीं ले पा रहा होगा, इस वजह से जिला का अपना अपना वर्क कैलेंडर यहाँ पर जारी करने पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की तिथि, इसमें यहाँ पर आवेदन प्राप्त करने की तिथि यहाँ पे 12 सितंबर 2023 तक रखा गया है। तो साफ आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसमें 4 सितंबर था, लेकिन इसमें 12 सितंबर है, और ये जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं हम चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसका जिम्मेवार होंगे, 12 सितंबर तक यहाँ पर आवेदन यहाँ पर लेना जिम्मेवार भी इस बार दिया गया है। तो इसी तरीके से अपना NIC पोर्टल पर जो जो जिला आप जो नोटिफिकेशन आउट कर रही है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कैलेंडर जारी कर रहा है, तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं कि 4 सितंबर तक ही आवेदन था, ऐसा नहीं है, इसका आवेदन अपने अकॉर्डिंग बढ़ाया जा रहा है। किसी और जिला पर ध्यान मत दीजिए, केवल समस्तीपुर वाले के लिए है, जो समस्तीपुर से हैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखेंगे तो 12 सितंबर तक है। आप भी जाइए NIC पोर्टल पर, इस तरीके से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके ज़िला के NIC पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं है तो मैं वो भी बताऊँगा कि किस वजह से क्या रीज़न है कि नहीं NIC पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
अब दोस्तों हम बताएंगे कि अगर आपके ज़िले में जो NIC पोर्टल है उस पर किस वजह से जो नोटिफिकेशन है नहीं रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भागलपुर का एग्जांपल के तौर पर मैं ले लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते कराली जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, ये जो है 5/9/2023 के डेट में यहाँ पर जारी किया गया। यहाँ पर डेट यहाँ पर साफ देख सकते हैं और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर है, जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी NIC भागलपुर। NIC के यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है ये अपडेट उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर निकाला गया है। इसमें बताया जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि दलित महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षा सेवक तालमी मरकज का चयन संबंधित आवश्यक सूचना जिले को वेबसाइट NIC पोर्टल पर प्रकाशित करने की कृपया की जाए। यानी जो NIC पोर्टल पे इसका जो नोटिफिकेशन है नहीं आउट किया गया उसी का आदेश में यहाँ पे दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें NIC पोर्टल पे यहाँ पे जारी किया जाए। यानी जो इसके विभाग में जो कर्मचारी वो भी लगातार ये जो है आदेश जारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है नोटिफिकेशन NIC पोर्टल पे यहाँ पे जारी किया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं 5/9 के डेट में, क्योंकि 4 का डेट निकल गया है इसकी वजह से। अब इसके देखिए इसके रिगार्डिंग में एक और जवाब आता है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आता है कि किस वजह से NIC पोर्टल पे नहीं अपलोड यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कराली जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर आवश्यक सूचना, इधर संबंधित सूचित किया जाता है कि शिक्षा सेवक तालमी मरकज के गाँव टोलावार रिक्ति का आवंटन प्रक्रियाधीन है। आवेदन करने की तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जिले की वेबसाइट NIC पर प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे साफ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा था कि NIC पोर्टल पर जल्द से जल्द जारी किया जाए। अगर नहीं जारी किया जा रहा था, क्या वजह है कि नहीं जारी किया जा रहा था, हम दोस्तों देख सकते हैं भागलपुर का ये वजह है कि यहाँ पे जो जिसका आवंटित जो सीट है वहाँ पर प्रक्रियाधीन है। यानी जल्द से जल्द इसका जो प्रक्रिया यहाँ पर करवाया जा रहा है अभी ये नहीं हुआ है। आवंटन का जो प्रक्रिया है उसके बाद ही दोस्तों रिक्ति यहाँ पर जारी किया जाएगा, केवल नोटिफिकेशन आउट करने से नहीं हुआ, उसका रिक्ति भी अटैच करना है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर अभी टाइम लग रहा है डिसाइड करने में कि कहाँ पर कितना रिक्त है। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है आवंटन हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो है जिले के NIC पोर्टल पे इसका प्रकाशित नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पेशेंस बनाए रखें, सभी ज़िले का दोस्तों बारी बारी से यहाँ पे अपलोड होगा, ऐसा नहीं है 2024 में चुनाव चल रहा है इस वजह से सभी ज़िले का बारी बारी से करवाया जाएगा। आप टेंशन मत लें, थोड़ा सा वेट करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा कि NIC पोर्टल पर दोस्तों जल्द से जल्द मतलब जो है नोटिफिकेशन आउट होगा। अगर आप भी अपने जिला के NIC पोर्टल पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना होगा। ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप दोस्तों NIC पोर्टल पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मंगवा सकते हैं, क्या करना होगा। तो पूरी प्रक्रिया दोस्तों अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।